रूबरू कराने जा रहे हैं। अब तक की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां बीजेपी की सपा, बसपा और कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी हुई है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम राम नरेश यादव के लड़के अजय यादव बीजेपी में करेंगे शामिल। बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह और सपा से पूर्व सांसद साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमदास कठेरिया भी रहेंगे मौजूद। इटावा सपा से पूर्व मंत्री केसी पांडे, सपा से पूर्व मंत्री साधना मिश्रा, गजेंद्र सिंह पूर्व विधायक, वासुदेव सिंह पूर्व विधायक मौजूद होंगे। बता गए राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे ने ज्वाइन किया बीजेपी। अब तक की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ज्वाइन। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी की सपा, बसपा और कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी हुई है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम राम नरेश यादव के लड़के अजय यादव बीजेपी में ज्वाइन करेंगे और बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह सपा से पूर्व सांसद साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमदास कठेरिया भी इटावा सपा से पूर्व मंत्री केसी पांडे, सपा से पूर्व मंत्री साधना मिश्रा भी होंगी और गजेंद्र सिंह पूर्व विधायक, वासुदेव सिंह पूर्व विधायक होंगे मौजूद। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे ने ज्वाइन किया बीजेपी। अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ज्वाइनिंग कमेटी के ब्रज बहादुर भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। बीजेपी की सपा, बसपा और कांग्रेस में ये बड़ी सेंधमारी हुई है। पूर्व सीएम राम नरेश यादव के लड़के अजय यादव बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह, सपा से पूर्व सांसद साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमदास कठेरिया भी होंगे मौजूद। इटावा सपा से पूर्व मंत्री केसी पांडे, सपा से पूर्व मंत्री साधना मिश्रा भी होंगी, गजेंद्र सिंह पूर्व विधायक, वासुदेव सिंह पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे ने ज्वाइन किया बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ज्वाइनिंग कमेटी के ब्रज बहादुर ने ज्वाइन कराई बीजेपी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जिससे आपको रूबरू कराया जा रहा है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी की सपा, बसपा और कांग्रेस में ये बड़ी सेंधमारी हुई है। पूर्व सीएम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर गए। अनंत मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अनंत जी, क्या खबर है इस पर, ज्यादा जानकारी और क्या आप बता सकते हैं, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी सेंधमारी अन्य पार्टियों में की है। 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी सेंधमारी है। सपा, बसपा और कांग्रेस के जो कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने आज जो है बीजेपी ज्वाइन की है, डिप्टी सीएम ब्रजेश जो है डिप्टी सीएम ने जो है ब्रजेश पाठक जी ने इस ज्वाइनिंग को आज बीजेपी कार्यालय में कराया है और कई अन्य दलों के बड़े नेता जिनको आप जो है जैसे पूर्व सांसद वीर सिंह ने आज जो है बीजेपी ज्वाइन की है। ये बसपा से राज्यसभा सांसद भी जो है ये रहे हैं वीर, और पूर्व जो है सांसद बड़ी पानी है संतोष कुमार जो है ये इन्होंने ज्वाइन किया है लखनऊ में आज बीजेपी को। एक बड़े स्तर पे जो है आज बीजेपी के अंदर जो है बीजेपी पार्टी कार्यालय के में करीब 9:15 के आसपास, 9:15 से 10:30-11 के आसपास पूरी जो है बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी भीड़ जो है जो दूसरी पार्टियों के नेता से आए और उन्होंने जो है आज बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके तहत आप समझ लीजिए कि जिला पंचायत सदस्य प्रेम दास कठेरिया जो इटावा से आते हैं और सपा के एक पूर्व मंत्री केसी पांडे भी ने भी जो है बीजेपी ज्वाइन की है। पूर्व मंत्री साधना मिश्रा, गजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक वासुदेव सिंह, पूर्व विधायक राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है आज, और लगातार जो है पार्टियां एक दूसरे को जो है कैसे वो पलटी दें, कैसे वो एक दूसरे को जो है डाटा बताएं कि वो सबसे आगे है उत्तर प्रदेश में।
तो बीजेपी पार्टी कार्यालय में आज उत्तर प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी ज्वाइनिंग की गई है। ऐसी ही अन्य पार्टियां भी अपने यहां कार्यालय में ज्वाइन करा रही हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।